मूवी के स्टार्टिंग में हमें फ्रैंक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि रात में किसी की तलाश कर रहा होता है। तभी हम एक बार से कुछ दोस्तों को निकलते हुए देखते हैं और उनमें एक लड़की भी होती है। उसके सारे दोस्त अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, वो वहाँ अकेली रह जाती है। फ्रैंक भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाती है और फ्रैंक भी उसका पीछा करने लगता है। वो लड़की अपने फ्लैट पर पहुंच जाती है। फ्रैंक भी उसी डिपार्टमेंट में उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है और उसके फ्लैट के लाइटिंग का वायर काट देता है, जिससे कि उस लड़की के फ्लैट में पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक जानता था कि वो किस फ्लैट पे रहती है और वो उसी को ही ढूंढ रहा था। उसके बाद जब फ्रैंक उस लड़की के सामने जाता है तो वो बहुत डर जाती है, वो चिल्लाने वाली होती है। तभी फ्रैंक उसके गले में चाकू से वार करता है, जिससे कि वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसके बाद हम उसका पागलपन देखते हैं। वो उस लड़की के सर की खाल बाल के साथ निकाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब सवाल ये है कि वो उसकी खाल का क्या करेगा, तो ये आपको आगे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे हमें फ्रैंक का घर दिखाया जाता है। उसके घर में हम बहुत सारे डमी को देखते हैं और एक डमी के सर पर उसी लड़की की खाल लगी होती है और यहाँ हमें उसका सारा पागलपन पता चल जाता है। वो डमी को एक न्यू लुक देने का शौकीन था और वो पूरी तरह से रियल लगे, इसलिए वो उन लड़कियों की तलाश में रहता था जो उसे पहली बार में ही अच्छी लगे, और बाद में वो उसकी भी खाल निकाल कर वो डमी को न्यू लुक दिया करता था। उसकी एक डमी की शॉप भी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लड़की से बात किया करता था जो कि उसने कुछ दिन पहले ही शुरू करी थी। बातों ही बातों में कब उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता, और फिर वो मिलने का प्लान बनाते हैं और वो एक होटल में मिलते हैं। अब लड़की की बातों से साफ पता चलता है कि वो फ्रैंक को लाइक करती है, और ये प्रूफ भी हो जाता है जब वो फ्रैंक से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन फ्रैंक मना कर देता है। वो कहता है कि उसके लाइफ में कोई ऐसी लड़की है ही नहीं जिसके साथ वो अपना फ्यूचर बना सके। ये सुनकर वो लड़की मन ही मन खुश होने लगती है कि तभी फ्रैंक को एक सपना आता है कि उस लड़की के सर में से खून निकल रहा है और वहाँ बैठे सभी लोग उसे ही देख रहे हैं, और तभी उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है और वो भागकर वॉशरूम जाता है और वहाँ जाके वो अपनी दवाई खाता है। अब हम आपको बता दें कि जो वो दवाई खा रहा था वो माइग्रेन की दवाई है। इसका मतलब फ्रैंक को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। उसके बाद जब वो नॉर्मल हो जाता है तो वो लड़की फ्रैंक को अपने घर ले जाती है और वहाँ उसे ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन अब फ्रैंक अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उस लड़की पर अटैक कर देता है और उसका गला दबा कर उसे मार देता है और उसकी खाल निकाल कर अपने साथ अपने घर लाकर एक डमी पर लगा देता है, और उस पर लगाते ही उसे लगता है कि वो डमी नहीं उसकी फ्रेंड ही है जो अभी जिंदा है। ये उसका एक पागलपन ही था। लेकिन वहाँ एक बात बहुत अलग थी कि जब भी वो किसी को मार कर आता था तो जब वो अपने आप को मिरर में देखता था तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो उस मिरर और सामान को तोड़ने लगता था। और तभी उसे अपनी मॉम की याद आती है कि वो उनसे कितना प्यार करता था और उनके बाल भी बनाया करता था। फिर नेक्स्ट डे जब फ्रैंक अपनी शॉप पर होता है तो वहाँ एना नाम की एक लड़की आती है और उसके डमी की फोटोज लेने लगती है। फ्रैंक के पूछने पर वो बताती है कि उसे अपने शो के लिए कुछ डमी की जरूरत थी और जब मैंने तुम्हारे डमी को देखा तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तब फ्रैंक कहता है कि तुम और देख सकती हो। ये बोलकर वो एना को अंदर बुलाता है और उसे बताता है कि पहले ये शॉप मेरी मॉम चलाती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद ये शॉप मैंने टेक ओवर कर ली। तभी एना कहती है कि तुमने इन डमी को काफी अच्छे से रखा है, और वो उसे अपना फोन नंबर भी देती है ताकि इन फ्यूचर फ्रैंक को अपना बिजनेस और बड़ा करना होगा तो वो उसकी मदद करेगी, और वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद भी फ्रैंक एना के बारे में सोचता रहता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एना को लाइक करने लगा है। उसके बाद शाम को वो बाहर निकल जाता है एक नई लड़की की तलाश में, क्योंकि उसे अब एना के लिए एक सुंदर सी डमी बनानी थी, पर उसे कोई लड़की नहीं मिलती। फिर उसे एक डांस गर्ल दिखती है और वो बिल्कुल वैसी होती है जैसी फ्रैंक चाहता था, और डांस के बाद फ्रैंक उसका पीछा करने लगता है, और ये बात उस लड़की को भी पता चल जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उससे बचकर वो भागते हुए एक पार्किंग एरिया में पहुंच जाती है।
वहाँ फ्रैंक भी आ जाता है और पार्किंग एरिया को लॉक कर देता है, जिससे कि अब वो दोनों ही है वहाँ पर। वो लड़की फ्रैंक से बचकर भागने लगती है, पर फ्रैंक उसे चाकू मारने लगता है और बार बार चाकू मार कर वो उसे मार देता है और उसकी भी खाल काट कर अपने साथ ले जाता है और डमी पर लगा देता है। उसके अगले दिन वो अपनी शॉप पर एक डमी को ठीक कर रहा था कि तभी वहाँ एना आ जाती है और उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है और उसके बाद वो बाहर घूमने जाते हैं और वहाँ फ्रैंक बीमार होने लगता है और वो एना को वहीं छोड़कर डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसे दवाई देता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम फ्रैंक को उसके घर उसकी पुरानी बातें यानी बचपन की बातें सोचते हुए देखते हैं कि उसके डैड की मौत के बाद उसकी मॉम नशे में इस तरह खो गई कि वो जो भी करती वो सब उसका बेटा यानी फ्रैंक देख रहा होता था, पर उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उन्हें बस अपने एंजॉय से मतलब था। और शायद यही बात है कि जो भी लड़की उसे अच्छी लगती है वो उसे मार देता है, पर एना पहली लड़की थी जिसके साथ वो रहना चाहता था। वो उससे मिलने के लिए उसकी शॉप के पास जाता है और तभी उसे एना की कॉल आती है और वो कल मूवी देखने की बोलती है। फिर नेक्स्ट डे वो मूवी देखने जाते हैं, वहाँ फ्रैंक का पूरा ध्यान एना पर होता है। बाहर आकर वो उससे पूछता है कि मूवी कैसी लगी, तो वो उसकी तारीफ ही कर रही थी कि तभी उसे एक कॉल आती है और उससे बात करते हुए उसके फेस पर एक स्माइल आती है। फिर फ्रैंक उससे पूछता है कि किसकी कॉल थी, क्योंकि वो जेलस हो रहा था, तो एना उसे बताती है कि वो उसका फियांसे है। ये सुनकर तो फ्रैंक को बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि ये बात उसने उससे छुपाई थी। उसका गुस्सा देख एना वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट डे वो एना के शो में जाता है और एना भी उसे वहाँ देखकर बहुत खुश होती है, पर फ्रैंक उसके फियांसे को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि फ्रैंक के दिल में एना के लिए कुछ फीलिंग्स थी जो कि टूट गई हैं। उसके बाद फ्रैंक वॉशरूम जाता है, वहाँ एना का फियांसे भी होता है और वो फ्रैंक की बहुत इंसल्ट करता है। उसके बाद वो गुस्से में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो अपने गुस्से को कैसे शांत करे। तभी उसके पास एना की एक फ्रेंड आती है, वो उससे कहती है कि तुम्हारे जैसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसकी तारीफ करती है, पर फ्रैंक का ध्यान उसके बालों पर होता है और उसे अपनी डमी को एक न्यू लुक भी देना था। उसके बाद एना की फ्रेंड उसे बाय बोलकर वहां से चली जाती है और फ्रैंक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। जब वो लेडी शावर ले रही होती है तभी फ्रैंक वहां आ जाता है और जैसे ही वो लेडी उसे देखती है तुरंत फ्रैंक उसका मुंह पानी में डाल देता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और वो फ्रैंक से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे जाने दो, पर वो उसके कमर पर चाकू से वार करके उसे मार देता है और उसकी भी खाल काट कर अपनी डमी पर लगा देता है। और फिर नेक्स्ट नाइट वो एना को कॉल करके कहता है कि उसे उसकी डमी वापस चाहिए, तो वो उससे बात करते करते बताती है कि उसकी फ्रेंड को किसी ने मार दिया और लास्ट बार उसे मेरे शो में देखा गया था तो पुलिस का सारा शक मुझ पे जा रहा है, जिससे कि वो बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। तो फ्रैंक उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, और वो एना के घर के लिए निकल जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि कोई आदमी उसके घर में पहले से ही बैठा है, तो एना उसे बताती है कि वो उसका पड़ोसी है। फिर वो वहां से चला जाता है। फिर फ्रैंक पूछता है कि तुम्हारा फियांसे कहां है, तब एना बताती है कि वो मुझे परेशानी में देखकर भाग गया। उसके बाद एना अपनी फ्रेंड के मौत का कारण अपने आप को बताने लगती है कि ना मैं उसे अकेले जाने देती और ना ही वो मरती। तभी फ्रैंक उसे समझाते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती, तुमने कुछ नहीं किया, उसका तो घर भी तुम्हारे घर से बहुत दूर है और वो चिल्लाई भी नहीं थी। इसको सुनकर एना को फ्रैंक पर शक होता है, पर फिर वो कहता है कि इंसान के शरीर में बस बाल ही हैं जो कभी मरते नहीं। और ये बात तो सुनकर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी फ्रेंड को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि फ्रैंक ही है, और फिर वो उसे अपने आप से दूर करने लगती है। फिर एक चाकू लेती है और उसे डराने लगती है, पर फ्रैंक फिर भी उसके पास आने की कोशिश करता है और एना उसके हाथ पर चाकू मार कर बाथरूम में छिप जाती है और अपने पड़ोसी को बुलाने लगती है। एना की आवाज सुनकर वो उसके घर आता है, पर फ्रैंक एक बड़े चाकू से उसे घायल कर देता है और वो एना को डोर ओपन करने के लिए बोलता है, पर वो नहीं करती। लेकिन तभी उसका पड़ोस
दासी फ्रैंक पर हमला कर देता है और इस बार वो उसे मार देता है और दरवाजे को तोड़ देता है। फिर अंदर जाके वो एना को एक चादर से बांधने की कोशिश करता है जिससे कि उसका दम घुट जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर फ्रैंक उसे अपनी कार में रख कर अपने घर ले जाने लगता है कि तभी एना को होश आ जाता है और वो उसी के डमी का हाथ निकाल कर उसी को मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ एक आदमी अपनी कार से आ रहा होता है और एना उससे हेल्प मांगती है। वो उसे कार में बैठने को कहता है और फ्रैंक को सामने से आता देख वो उसे कार से उड़ा देता है और तभी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका वही एक्सीडेंट हो जाता है और वो आदमी और एना बुरी तरह घायल हो जाते हैं। फ्रैंक उसके पास आता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और एना का भी सर की खाल निकाल लेता है और घर जाकर एक डमी पर लगा देता है। वो उसे वेडिंग ड्रेस और एक रिंग भी पहनाता है। उसे लगता है कि उसकी और एना की शादी हो गई है और तभी उसे लगता है कि उसके सारे डमी उस पे हंस रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, वो जिंदा हो गए और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ आ रहे हैं। पर ये सब सिर्फ उसका एक भ्रम था और वो खुद को ही मार लेता है। उसके बाद जब पुलिस वहाँ आती है तो वो उसे मरा हुआ पाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी जो कि एक साइको पर बेस्ड है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।